इंडियन रेलवे की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप यहां पर चेक कर पाएंगे। ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, यानी भारत के किसी भी राज्य से आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट 2021। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, किस प्रकार डाउनलोड करना है कंप्लीट वीडियो देखना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो इंडियन रेलवे की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो, यानी कि भारतीय रेलवे में नई वैकेंसी आ चुकी है। इस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। यानी भारतीय किसी भी राज्य से आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और अगर आपकी आयु सीमा, यानी कि अगर आपकी एज लिमिट 18 ईयर से लेकर 40 ईयर के बीच में है, तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती में सबसे बड़ी बात होगी, इसमें कोई लिखित परीक्षा, कोई फिजिकल टेस्ट आपका यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि दौड़ भी आपके यहाँ पर इस भर्ती में नहीं होगी। और जो एप्लीकेशन फीस होगा, सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री होगा, यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पर इस भर्ती का आवेदन कर पाएंगे। आपको आवेदन किस प्रकार से फिल करना है, कहाँ से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, सभी जानकारी आपको स्टूडियो में दी जाएगी। तो हो सके तो वीडियो कम्प्लीट देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको यहाँ ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सबसे फास्ट अपडेट मिलता है, जैसे कि लेटेस्ट वैकेंसी, लेटेस्ट एडमिट कार्ड हुआ, सिलेबस हुआ, उसकी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। और मैंने इस ग्रुप का लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको डूम कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपको मैंने तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट और उसका नेम रहेगा, इंडियन रेलवे की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ, यानी कि यहाँ पर इसकी ओर से भर्ती चलेगी। हु कैन अप्लाई, तो इस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 18,000 रुपये से लेकर 56,100 रुपये पर मंथ तक का पे स्केल रहेगा, काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, यू आर जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री होगा, और एसएसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री होगा। यानी जनरल, ओबीसी, एसएसटी, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर आपका यहाँ पर एज लिमिट 18 ईयर से लेकर 40 ईयर के बीच में है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। जो एज काउंट की जाएगी 1 फरवरी 2021 तक की जाएगी, यानी कि 1 फरवरी को आपकी नहीं तो 18 से कम होने, 40 से ज़्यादा। अगर आप एसएसटी कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर 5 ईयर छूट मिलेगी, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर छूट भी दी गई है। अब देखो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती फिजिकल डिटेल यहाँ पर कुछ भी नहीं होगी, यानी कोई हाइट नहीं, कोई वेट नहीं, कोई रनिंग टेस्ट, यानी कि दौड़ भी आपके इस भर्ती में नहीं होगी। अगर आप इस भर्ती का आवेदन करना चाहते हैं, आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है, फोटो सिग्नेचर, एजुकेशन सब डिटेल, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। जो इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले आपका मेरिट लिस्ट बनेगी, यानी जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वो आपको यहाँ पर उस मेरिट में लिया जाएगा डॉक्यूमेंट के आधार पर, यानी कि जितनी आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी उसके आधार पर आपका चयन होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, फिर आपके यहाँ पर मेडिकल टेस्ट रहेगा। इस भर्ती की जो इंपॉर्टेंट डेट रहेगी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जो इस भर्ती की स्टार्टिंग डेट रहेगी, वो आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए, 10 मार्च 2021 से पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना, यानी कि 10 मार्च इस भर्ती की लास्ट डेट रहेगी। आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस भर्ती के 2 एप्लीकेशन फॉर्म आए हुए हैं, आपको यहाँ पर दोनों को ही एप्लीकेशन फॉर्म प्लस नोटिफिकेशन आप यहाँ से ऐप पे आपको डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना कोई से पर भी। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म प्लस नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे इस भर्ती का, ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म। आपको यहाँ पर अपना नेम फिल करना है, आपको यहाँ पर अपना फोटो भी लगाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर नेम फिल करना है, फिर आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ इसमें आपको फोटो भी लगाना होगा। फिर आपको यहाँ पर अपनी सभी जानकारी फिल करनी, कौन सी आप वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं। अब आपको यहाँ पर जो आपकी आयु रहेगी उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी, कैंडिडेट के आपको यहाँ पर सिग्नेचर करने होंगे, फिर आपको यहाँ पर सभी जानकारी देनी होगी। आपको यहाँ पर इसमें इंग्लिश में बताएगा, आप यहाँ पर सभी जानकारी रीड कर पाएंगे। अब बात करें यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कहाँ डाउनलोड करना है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कहाँ डाउनलोड करना हो, दो ही नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। इसमें आपको साफ साफ हिंदी में बताया गया है, और जो आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है अगर आप उसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। सिग्नल इंस्ट्रक्टर के लिए होगी, सीए के लिए होगी, जनरल असिस्टेंट के लिए आपको वैकेंसी
दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप इस भर्ती को ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर हिंदी में जानकारी दी गई है और जो वैकेंसी निकाली गई है ये डिपार्टमेंटल वैकेंसी, यानी कि अगर आप पहले से रेलवे में हैं तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। तो इस भर्ती की लास्ट डेट रहेगी 10/3/2021 रहेगी, यानी कि 10 मार्च तक आप इस भर्ती का आवेदन कर पाएंगे। सभी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।